हेलो सबको, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब, जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल नेहा भोजपुरी शॉर्ट में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद से। तो आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा। और सबसे पहले तो सारी यूट्यूब फैमिली को सावन का पहली सोमवार का ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को ढेर सारा बधाई हो आप सभी का। तो कौन कौन सावन के पहले सोमवार का व्रत है आप लोग जरूर बताइएगा। हम तो व्रत हैं सावन के पहले सोमवार का। हम गए थे मंदिर, अभी मंदिर से आ रहे हैं, लेकिन मंदिर की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बना पाई कि बहुत भीड़ था मंदिर पे। तो हर जगह वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा वहां पे, क्योंकि भीड़ था बहुत। भीड़ की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं पूजा करके चली आई। अगर थोड़ा सा मतलब दो चार लोग होते, पांच छह लोग होते, तो मैं वीडियो भी बना ली होती आप लोगों से दिखाने के लिए, ब्लॉग भी बनाई होती, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था इसलिए मैं नहीं बना पाई वीडियो। इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और कौन कौन गया था मंदिर जरूर बताइएगा। और दोस्तों एक बात की मुझे कन्फ्यूजन है, आप लोग इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि कितने लोग बोल रहे हैं कि इस बार का सावन, इस महीने का सावन नहीं मनाएंगे, अगले महीने की सावन मनाएंगे। और कितने लोग बोल रहे हैं कि अगले महीने के सावन नहीं मनाएंगे, इसी महीने के सावन मनाएंगे। और कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं, दोनों सावन बढ़िया हैं, दोनों सावन 2 महीने की लगा है, दोनों सावन ही मनाएंगे हम। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ऐसे मतलब लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं तो कुछ भी ना मानती ये सब। लेकिन मतलब लोगों के कहने पर थोड़ा मैं आप लोगों से इस सवाल इसको इस मतलब इसको मैं पूछी कि आप लोग जरूर बताइएगा कि इस बार का सावन कैसा है। मुझे तो अच्छा लगा, मैं तो व्रत हूँ। और इस बार सावन में जितने सावन के सोमवार पड़ेंगे, 8 सोमवार पड़े हैं 2 महीने में, 8ों सोमवार में व्रत रखूंगी। मैं ये सब ना मानती, क्योंकि ऊपर वाले कभी नहीं बनाते हैं, सब इंसान ही बनाते हैं, क्या बुरा है क्या अच्छा है ऊपर वाले। अब पूजा पाठ में तो शंकर जी, पार्वती जी, या मतलब हनुमान जी या राम जी, कोई ये नहीं नू ना कहेगा कि हाँ ये बेकार, ये खराब है, ये चीज मतलब अच्छा है। पूजा पाठ तो कभी भी करो, हमेशा के लिए सही है। अगर भगवान को दिल से मानो तो यहाँ भगवान है, ना दिल से मानो तो कहीं भगवान ना है दुनिया में। तो मैं तो ये सब नहीं मानती हूँ। मैं तो जितने 2 महीने में जितने सोमवार पड़ेंगे, 8 सोमवार पड़ रहे हैं, मैं 8ों सोमवार व्रत रखूंगी, पूरी सावन में पूजा करूंगी। ऐसे तो पूजा मैं डेली करती हूँ घर पे, लेकिन मंदिर की बात करूँ, मंदिर नहीं जा पाती हूँ। लेकिन इस बार सावन में थोड़ा मंदिर जाना अच्छा लगता है, नवरात्रि में थोड़ा जाना अच्छा लगता है। ऐसे तो डेली घर पे पूजा कर लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि इस बार का सावन कैसा है। हम तो अच्छा हो या बुरा, पूजा पाठ में हम बुरा नहीं मानते हैं, हम तो पूरी मतलब करेंगे। लेकिन एक बात की कन्फ्यूजन थी जो आप लोगों के बीच में रखी, तो इसके लिए आप लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा। कोई बात है मेरे से ब्लॉग में बोलने में या कोई चीज़ में गलती हो, तो आप लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा। आप लोग उसे हमें समझाने की वजह आप लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा। आप एक छोटी बहन या आप एक मतलब वो अपनी बेटी या बहन कुछ भी समझ करके आप लोग मतलब हमको गलत कमेंट मत कीजिएगा। हमें जितना मतलब समझ में आया उतना आप लोगों से मैं पूछी हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय।